प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजातरीन खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के ताज अरावली में केंद्रीय लेवल की हो रही है महत्वपूर्ण बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत संघ के चुनिंदा प्रतिनिधि हुए शामिल। जयनारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, KL श्रीवास्तव ने संभाला सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार, नई शिक्षा नीति और छात्र संघ चुनाव को बताया प्राथमिकता। ऑफिस को लेकर विश्वविद्यालय के पेंशनर्स का आंदोलन, बोले सरकार जल्द करे राहत भरा प्रावधान। और बारिश के मौसम में आदिवासी परिवार पर आफत, केरुपोष मकान ढहा, राशन पानी सब मलबे में दबा। उदयपुर में एक बहुत बड़ी बैठक आज से शुरू हुई है और ये बैठक दो दिन चलेगी। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है ये किसी को पता नहीं है, पूरी तरीके से इस बैठक को गोपनीय रखा गया है। इस बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने दो दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंच चुके हैं। माणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एक निजी होटल में ये बैठक होगी और कहा जा रहा है कि संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने दो दिवसीय प्रवास पर शनिवार को उदयपुर पहुंचे तो माणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर उनका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर महापौर GS Rao, जिला प्रभारी बंशीलाल खटीक, जिला महामंत्री किरण जैन, गजपाल सिंह मौजूद रहे। बाद में एस जयशंकर होटल ताज अरावली के लिए रवाना हो गए। शाम को 6 बजे ताज अरावली होटल में एक अति महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। हालांकि इस बैठक के एजेंडे को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़ा पदाधिकारियों के भी शामिल होने की सूचनाएं बाहर आ रही है। एस जयशंकर रविवार सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मौलाना सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति के अतिरिक्त कार्यभार की कमान सौंपी गई है। प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने शनिवार को पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि उनका मूल उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई बेहतर ढंग से चले और आने वाले महीने में जो छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कैसे संपन्न करवाए जाए इस पर फोकस रहेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने उदयपुर मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार शनिवार को संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षा की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। जल्द ही विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लागू करने के प्रयास किए जाएंगे, साथ ही कर्मचारियों को आ रही ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS को लेकर समस्या को दूर करेंगे। श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी महीने में छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में चुनाव को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए, इसी पर पूरा फोकस रहेगा। वहीं काउंसलिंग के लिए आ रहे छात्रों के लिए मदद के लिए भी उन्होंने विशेष दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। किसी विश्वविद्यालय के उत्थान में हमेशा दो ही चीजें होनी चाहिए, एक श्रेष्ठ शिक्षा और दूसरी विश्वविद्यालय के कारण श्रेष्ठ रिसर्च। और इस विश्वविद्यालय में किया गया कोई भी प्रयास इन्हीं दोनों को केंद्र बिंदु बन के उनके सारे विकास की दिशाएं तय की जाती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी हाल में हमारे विश्वविद्यालय में जो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वहाँ पे नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोगों ने लागू किया है। इस विश्वविद्यालय ने उसकी काफ़ी हद तक तैयारी कर रखी है। उसकी तैयारी के लिए यहाँ तेजी से प्रयास करके और नई शिक्षा नीति को लागू करने के इस विश्वविद्यालय में प्रयास किए जाएंगे। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जिस तरीके से न्याय संगत तरीके से शांतिपूर्ण पहले चुनाव कराए गए हैं स्टूडेंट यूनियन के, उसी तरीके से फिर करे जाएंगे। यहाँ के शिक्षक, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के छात्र दिल से इस चीज़ के लिए सहमत हैं कि शांतिपूर्ण हर तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हो जाए। प्रदेश के स्तर पे ही चूंकि इसकी डेट डिक्लेयर होती है तो ऐसी जानकारी मिली है कि टेंटेटिवली 25th को फिक्स करने का एक बात हुई थी 25th अगस्त को, लेकिन उसका डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है। और डिक्लेरेशन होते ही एकदम से यहाँ पे जो लिंगदोह कमेटी की आचार्य संहिता है उसको लागू किया जाएगा।
टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन ओपन। पुरानी पेंशन योजना के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पेंशनर्स ने विश्वविद्यालय परिसर में राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया है। पेंशनर्स का कहना है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त तमाम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की है, लेकिन विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान हेतु बजट का प्रावधान नहीं है। ऐसे में इसका प्रावधान होना चाहिए। पेंशनर एसोसिएशन के भरत व्यास ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा OPS को राज्य कर्मचारियों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुनर्बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। इस योजना में दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए OPS योजना लागू कर लाभान्वित करना है, लेकिन विश्वविद्यालय में पेंशन भुगतान के लिए बजट नहीं है, जिसकी विश्वविद्यालय को सख्त आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि जो भी कर्मचारी NPS से OPS में जाना चाहता है, उसे 12% ब्याज की दर से पैसा जमा कराना होगा। जबकि राज्य सरकार ने अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में यह आदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए काले कानून जैसा साबित हो रहा है। इसको लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ऐसे में शनिवार को 2 घंटे का सुंदरकांड पाठ किया गया। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए 24 जुलाई से सभी कर्मचारी आधे दिन के कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी देने के साथ ही इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका कहना है कि 1 अगस्त से पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार कर विश्वविद्यालय में कामकाज को ठप किया जाएगा, अगर इनकी मांग जल्द मानी नहीं गई तो। राज्य सरकार ने 2023 में 20/4/2023 को एक आदेश निकाला, उसमें NPS से OPS में जो लोग थे 2004 के बाद वाले, उनको 12% ब्याज सहित पैसा जमा कराना था, जबकि वो पैसा केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी जमा है और वो जमा है और हमको वापस कह दे कि आप वापस जमा करिए 12% ब्याज से, ये काहे का न्याय है। इस बात को लेकर हमने आंदोलन किया, मतलब प्रदर्शन किया विधान जयपुर में सही स्मारक पे, और हमने राज्य सरकार को 7 दिन का समय दिया कि विश्वविद्यालय में किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हो, छात्र परेशान नहीं हो, परंतु 7 दिन तक किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई। तो अंतर्गत हमने जो निश्चय किया था कि उसके बाद में हम क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, तो ये हमारा 2 घंटे का जो है प्रोग्राम चल रहा है और 24 तारीख से आधे दिन का कार्य का बहिष्कार चलेगा और 1 अगस्त से हम पूर्णकालिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। उदयपुर में इस बार मानसून पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है और जिस तरीके से जलाशयों में पानी की आवक हो रही है, उससे तमाम झीले और तालाब लबालब हो चुके हैं। सुहाने मौसम के चलते लोग पिकनिक स्पॉट पर भी जा रहे हैं, लेकिन ये बारिश आफत भी बन रही है। जल जनित हादसे हो रहे हैं, तो वहीं गोगुंदा थाना क्षेत्र के बड़गुंदा के थोरिया का खेड़ा में बीती रात को तेज बारिश में 1 किलोपोष मकान धराशायी हो गया। इसमें सो रहे दंपति और उनके मासूम के घायल होने के समाचार हैं। हालांकि उनकी जान बच गई है, लेकिन प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका केलुपोष मकान ठीक करवाया जाए, ताकि ये इस बारिश के सीजन में अपना सर छत के नीचे छुपा सके। जानकारी के मुताबिक थोरियो का खेड़ा में देर रात बारिश के चलते केलुपोष मकान गिर गया था। गनीमत रही कि उसमें सो रहे दंपति मासूम को लेकर बाहर भागे, हालांकि मामूली चोट उन्हें लगी है। पंचायत समिति सदस्य दिलीप कमिति ने बताया कि लगातार काफी दिनों से तेज और मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके चलते कई केलुपोष मकान और पट्टीपोष मकान जर्जर हालत में हो गए हैं। देर रात को बारिश से नवलराम गमिति का केलुपोष मकान गिर गया, इसमें उसकी पत्नी बसंती के पास में सो रहा मासूम घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मकान में रखा सामान, नकदी, कपड़े और उपयोगी वस्तुएं मलबे में दब गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तीनों को निजी वाहन से गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दिलीप कमिति ने सूचना पर ही स्थानीय सरपंच मौके पर पहुंचे और जनप्रतिनिधि वहां पर दौड़कर आए। सरपंच ने पटवारी और सचिव को मामले से अवगत कराया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आदिवासी परिवार का मकान प्रशासन ठीक करवाए, ताकि इस बारिश के मौसम में वो अपने परिवार के साथ ठीक से रह सके। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संविधान पार्क में लगे राष्ट्र ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। संविधान पार्क में स्थापित स्तंभ के चारों तरफ राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही ध्वज लगा हुआ है और वह भी कटाफटा और मटमेला हो गया है। इस मामले में मीडिया ने कुलपति को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द इस मामले को दिखवाते हुए राष्ट्र ध्वज को ठीक कर देंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुछ समय पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से संविधान पार्क का निर्माण करवाया गया था, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों ने संविधान पार्क की सूद तक नहीं ली है।
इसकी वानगी यहां पर मठपेला और कटाफटा राजध्वज खुद बयां कर रहा है। इसकी वजह से राजध्वज का अपमान हुआ है। इस मामले को लेकर मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के नए कुलपति केएल श्रीवास्तव को बताया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वे कुछ नहीं बोल पाएंगे लेकिन बहुत जल्द इसे दुरुस्त करवाएंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0% down payment, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स हिरन मगरी सेक्टर 5 मेन रोड उदयपुर। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी शनिवार को उदयपुर पहुंचे। यहां पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिला प्रभारी बंसीलाल खटीक, जिला महामंत्री किरण जैन, गजपाल सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वह शर्मसार है। सरकार चाहती है कि मणिपुर मामले पर सदन में चर्चा हो लेकिन विपक्ष 2 दिन से सदन नहीं चलने दे रहा है। यानी बंगाल हिंसा और बिहार में हुए लाठीचार्ज पर भी चर्चा होने की जरूरत है। वहीं विपक्ष एकता पर बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष एकजुट होने से पहले ही उसमें बिकाऊ नजर आ रहा है। खुद नीतीश कुमार कोई नए संगठन में तवज्जो नहीं दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एक साथ मंच पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। नाम बदलने से लोग वोट नहीं देंगे, लोग काम देखकर वोट देते हैं। लोगों ने 10 साल तक मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार को देखा है और अब वे मोदी सरकार के काम को देख रहे हैं। देखिए पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की जो घटनाएं वो राजस्थान में घटती है। जो कुछ हुआ मणिपुर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वयं प्रधानमंत्री ने उसके लिए खुद प्रकट किया है और हम तो बहस के लिए तैयार हैं। 2 दिनों से विपक्ष के लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं जबकि हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है सदन के अंदर कि हम बहस के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष कोई ना कोई बहाना खोज रहा है, वो बहस नहीं चाहता है और पिछले 2 दिनों से सदन जो है स्थगित हो रहा है। मैं विपक्ष से अपील करूंगा कि बहस के लिए तैयार हूं और केवल मणिपुर पर ही नहीं ये बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई है करीब 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं बंगाल के अंदर, यहां तक कि कांग्रेस और CPM के लोग मारे गए हैं, तो बंगाल पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिहार में जो बर्बर लाठी चार्ज हुआ जिसमें हमारे कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, हम लोगों ने उसके लिए भी नोटिस दिया है कि बंगाल पर, बिहार पर, मणिपुर पर, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और राजस्थान में जो बलात्कार की घटना घटी, छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी वो अत्यंत दर्दनाक, अत्यंत शर्मनाक है। और इसे पूरे देश में जहाँ भी घटना इस प्रकार की घटती है वो सारा देश ऐसी घटनाओं के लिए अपने आप को शर्मसार महसूस कर पा रहे हैं। वो तो पिछली बैठक से निराश हताश हो गए, उनकी तो उपेक्षा हो गई, उनको तो बड़ी उम्मीद थी कि वो कन्वेनर बनेंगे नए गठबंधन के, उनको गठबंधन का कन्वीनर भी नहीं बनाया गया और वो निराश होकर लौट गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए, वो जो नामकरण था उससे भी वो सहमत नहीं थे और जब पटना भी जब उतरे तो वहाँ भी मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो देखिए वहाँ पर जो शरद पवार आए थे एक घायल सिपाही जैसा लहूलुहान होकर जिसकी पार्टी टूट गई ऐसा एक व्यक्ति बैठक में था, इसने चुप्पी साध लिया, एक शब्द शरद पवार ने नहीं कहा। समाजवादी पार्टी के 5 लोग आए लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे और ममता बनर्जी जिसके बारे में सीताराम येचुरी ने यह बयान दिया कि बंगाल में CPM का कोई समझौता नहीं हो सकता, यही तो विपक्षी एकता है कि सीताराम येचुरी और वृंदा करात कर रहे हैं कि बंगाल में TMC के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। तो देखिए ये तो महागठबंधन की हवा पल ही निकल चुकी है, इनको लगता है कि नाम बदल लेंगे तो लोग UPA के जो भ्रष्टाचार उसको भूल जाएंगे, तो चेहरा तो वही है तो नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं है। जैसे ही UPA का नाम आता है तो लोगों को 10 साल जो कुशासन था मनमोहन सिंह का उसकी याद ताज़ा हो जाती है, उसी को ढकने के लिए इन्होंने नाम बदल दिया। पवित्र पुरुषोत्तम मास और अधिक मास का शुभ संयोग होने के साथ ही उदयपुर की धड़कन कही जाने वाली फतेह सागर झील के लबालब होने की खुशी में नीम फाउंडेशन उदयपुर की ओर से फतेह सागर झील में नौका विहार करते हुए सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है।
नीम फाउंडेशन के फाउंडर रोशनी बारोट ने बताया कि पूर्व में भी जब फतेह सागर खाली था तब उसके भरने की कामना के लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया था और फतेह सागर छलकने के बाद उसी खुशी में सुंदरकांड का पाठ नौका विहार करते हुए किया गया है। लेकिन इस बार फतेह सागर भरने के साथ ही पवित्र पुरुषोत्तम मास होने से भक्तों में यह आनंद दुगुना हो गया। नौका विहार करते हुए माँ कालेश्वर मंदिर की राम भक्त उपासक मंडल के सदस्य चेतन जेठी, डालचंद आशुतोष, रोमित शर्मा समेत कई भक्तों ने संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया। पाठ के दौरान नाव झील में चक्कर लगाते रहे और इधर नाव में पाठ करते हुए ढोलक की थाप पर और मंजीरों की आवाज के साथ ही हिलोरे मारती नाव ने सभी को आनंदित किया। सुंदरकांड के बाद भगवान राम और गंगा की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हमने फतेह सागर में नाव में बोट में फतेह सागर के बनने पे हर साल हम लोग ये सुंदरकांड करते हैं, तो इस साल भी हमने सुंदरकांड किया और सभी जो नाए राम भक्त उपासक मंडल मंडली और सभी का साथ रहा। राजस्थान नरसेज संघर्ष समिति उदयपुर के प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसेज संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष प्रवीण चरपोटा और हितेश लवाना के नेतृत्व में शहर के बोड़ा गरेजी स्थित मंदिर में राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए अर्जी लगाई गई। नरसेज संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नरसेज की संविदा सेवा को नियमित सेवाकाल में जोड़ते हुए नोशनल लाभ देने, नर्सिंग संपर्क के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्य संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगे को लेकर वो काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 6 दिनों से भी ज्यादा समय गुजर चुका है इन मांगों को रखते हुए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। हमने बोरा गणेश जी मंदिर में जाके भगवान बोरा गणेश जी से सद्बुद्धि की करके और ये लोग साहब को ये बताया कि साहब हमारी मांगे जो हैं वो आप पूरी कर दी जावे। आज ठेकाकर्मी नर्सेज हम लगे हैं, 7,900 का अल्प वेतन में हम काम कर रहे हैं, जबकि आज हमारा कोई हमारे भाई बहन यहाँ रहते करते 4,000 रुपये हमारा न्यूनतम मासिक मकान किराया चला जाता है, हम कैसे गुजारा चलावें। मैं सरकार को ये समझाना चाहता हूँ कि आप इतना समझो, आज हम 3-4 लाख रुपये का खर्चा करके आज लगे हुए हैं, तो हमारे पास हमारी यही वो है वैल्यू है जो हमें 7,900 में घसीट रहे हैं। आज वार्ड बॉय की, स्वीपर की भी हमसे ज़्यादा तनख्वाह है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के ताज अरावली में केंद्रीय लेवल की हो रही है महत्वपूर्ण बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत संघ के चुनिंदा प्रतिनिधि हुए शामिल। जयनारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के एल श्रीवास्तव ने संभाला सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार, नई शिक्षा नीति और छात्र संघ चुनाव को बताया प्राथमिकता। ओपीएस को लेकर विश्वविद्यालय के पेंशनर्स का आंदोलन, बोले सरकार जल्द करे राहत भरा प्रावधान। और बारिश के मौसम में आदिवासी परिवार पर आफत, केरुपोष मकान ढहा, राशन पानी सब मलबे में दबा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आपने न्यूज 19 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।